हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बेटी पाठक फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यापीठ गाबरी। आज हम क्लास थर्ड हिंदी पैरा लेसन का नाम है पप्पू। तो कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से कोयल के विविध रूपों की चर्चा की है। बच्चे किसी व्यक्ति के स्वभाव को देख करके उसका उसी प्रकार का नाम रख लेते हैं, तो उसी प्रकार से कोयल की विभिन्न एक्टिविटी है उसको देख करके कोयल के विभिन्न नाम रखे हैं। इसमें आप कई बार शक्कू पढ़ेंगे, कई बार भक्कू पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि किस प्रकार से इसका नाम बच्चों ने रखा है। तो कवि की इस अभिव्यक्ति को हम देखते हैं। नाम है उसका कप्पू, कप्पू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सप्पू। नाम है इसका कप्पू, अर्थात इसमें कोयल रो रहा है। जब कोई होता है तो सिक सिक की आवाज आती है, तो उस आवाज के अनुसार बच्चों ने उसका नाम सप्पू रख दिया है। पुनः देखिए, नाम है उसका कप्पू, कप्पू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सप्पू। नाम है इसका पप्पू, नाम है इसका पप्पू। आगे देखिए, फिर बच्चों ने जो है उसका नाम किस प्रकार से रखा है। अगले पैराग्राफ में कोयल, कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे चली छिटोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको पप्पू। नाम है इसका पप्पू। अब बच्चों ने इसका नाम यहां पर पप्पू रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि यहां बार बार पर भड़क जाता है, तो इसलिए बच्चों ने उसका नाम पप्पू रख दिया है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, पप्पू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा गिराए, ऐसे झगड़ा रुको अब से, क्यों न कहे हम झप्पू। नाम है उसका पप्पू। अर्थात अब यहां पर कोयल जो है लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो बच्चों ने उसका नाम झप्पू रख दिया है। तो पुनः बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुझो सदा बुलाए, गाना जिसको जरा बिना आए, ऐसे झगड़ा रुको अब से, क्यों न कहे हम झप्पू। नाम है इसका पप्पू, नाम है इसका पप्पू। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला लेसन आएंगे, और इसे पढ़िए, धन्यवाद।